हेलो टू यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि जन्माष्टमी है मंडे को, मैं थोड़ा लेट हूँ, पर चलिए देर आए दुरुस्त आए, फटाफट से वीडियो बना लेते हैं। और ये वीडियो फिर से एडिटेड वीडियो नहीं होगी, और ये वीडियो कृष्णा जी के ड्रेस के लिए है। तो इसमें डेडिकेटली कृष्णा जी के लिए जो भी चीज़ें हैं, ड्रेस, कैप, आसनी, ये सारी चीज़ें ही हम बनाएंगे। तो पहले हम बना लेते हैं कृष्णा जी का आसन, ठीक है? तो मैं तो जैसे बिठाए हुए हूँ वैसे ही आसन बना रही हूँ। मेरे पास मोस्टली ज़्यादा कलर नहीं है, मोस्टली यही कलर है, रेड, मरून, वाइट एंड थोड़ा सा पिंक है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं रेड वाइट का कॉम्बिनेशन रख रही हूँ, ठीक है? आपके पास कोई दूसरा कलर है तो आप उस हिसाब से बना लीजिए। मोटी वुलन से ही मोस्टली बनाएंगे, पतली वुलन से बनाएंगे तो उसको बहुत टाइम जाएगा, ठीक है? रुक जाइए। हाँ, तो हम लोग इसमें आज के वीडियो में हम फिर से ये एडिटेड नहीं होगी, जैसे कि लास्ट 15 अगस्त और रक्षाबंधन का मैंने वीडियो डाला था। और ये मैं आपके लिए ही एक्चुअली बना रही, बिकॉज मेरे जो कृष्णा जी हैं वो बहुत छोटे हैं, मतलब उनको जो मैं बना रही हूँ वो पहना नहीं पाऊँगी, बिकॉज़ वो अटैच भी हैं। जो झूला आपको दिख रहा है सामने, मैंने इसलिए रखा है ताकि वीडियो रिलेट कर पाओ आप लोग कि कृष्णा जी के लिए आज क्लोथ्स बन रहे हैं इसमें वुलन वाले, ठीक है? तो कपड़े वाले, अगर स्टिचेस वाले चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे पास मशीन भी है, हैंड स्टिच भी या मशीन वाला स्टिच भी मैं आपको वीडियो में शोकेस कर सकती हूँ कि उनके कपड़े कैसे सिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप गिन की आसनी ले लीजिए, जितनी भी आपकी कृष्णा जी जितने भी बड़े हैं, ठीक है? मैं अराउंड इतना ले रही हूँ, 10-12 हो गई, ठीक है? अभी यहाँ से हम इसको अटैच करके एक राउंड स्क्वायर बना लेंगे, क्या? और इस थ्रेड को अंदर अंदर ही करते जाएंगे, हम इसको कट नहीं करेंगे, ओके? पहले एक मुझे सर्कल बना लेना है, क्योंकि हम बना रहे हैं आसनी, वो पे वीडियो में जा रहा है। तो ये होप आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो हम पहले बना लेंगे आसनी, फिर हम बनाएंगे डंगरी वाली ड्रेस और कैप, ओके? और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं बना रही हूँ, मैंने इसको सेल आउट भी किया है। सेल में मैंने जितने पीसेस बनाए थे ना, वहाँ जो मैंने सेल लगाया था तो सारे सोल्ड आउट हो गए थे। उसमें सिर्फ एक डंगरी मेरे पास बची हुई है। वो डंगरी मेरे पास इसलिए बची हुई क्योंकि मेरे कृष्णा जी को कपड़े नहीं पहना सकती मैं, क्योंकि ये अटैच्ड है ना झूले में, तो कपड़े नहीं, वो जो वुलन वाले जो मैंने बनाए हैं वो पहनाना डिफ़िकल्ट है। सो वो जो अलोन वाले रहते हैं ना, मतलब जो अटैच नहीं रहते, झूला अलग रहता है, अगर मैं कोई रॉन्ग या गलत इनअप्रोप्रिएट यूज़ कर रही वर्ड तो प्लीज़ इग्नोर इट, मैं भी इंसान ही हूँ। तो वो जो अटैच्ड झूले में जो अटैच नहीं होते जो मूर्तियाँ, तो वो कान्हा जी को आप पहना सकते हो वैसे वाले, मेरे पास वो नहीं है। और मैं सिर्फ एक वीडियो में शोकेस करने के लिए वो मूर्ति नहीं खरीद सकती, बिकॉज़ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ, वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और सिर्फ एक वीडियो के लिए मैं ख़रीद कर लाऊँ और शोकेस करके, और फिर उसके बाद क्या करूँगी मैं, क्यों? मेरे पास तो ऑलरेडी एक कान्हा जी हैं, और एक जगह दो दो एक मूर्तियाँ नहीं रखते, एक भगवान की दो दो मूर्तियाँ एक मंदिर में नहीं रखते, तो इसीलिए। और मैं ये जो कान्हा जी हैं, मैं इनको अभी यही रहेंगे, बिकॉज़ ये मेरे साथ, एक बड़ा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को, मतलब मैं मेरे मन से मानती हूँ, मैं मेरे मन में जो आता है मैं वो मानती हूँ। तो क्योंकि ये मूर्ति मेरे साथ बहुत सालों से हैं, जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी ना 2012 में, तभी मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने ये गिफ्ट किया था, तो तब से ही कान्हा जी मेरे पास हैं। मतलब मैं अभी जो है ना, ये मेरे साथ हैं तो मैं फिर क्यों दूसरी एक और मूर्ति ले आऊँ। तो ये देखिए, ये बन गया राउंड टिक्की, ठीक है? राउंड सर्कल बन गया। और यहाँ से आप
एक और राउंड, जैसे फर्स्ट राउंड लिया है ना, एक एक फंदे खींचकर आप लेते जाइए इसको। मैंने सेम ऐसे ही फर्स्ट राउंड भी किया है। ओके okay? होप आपको दिख रहा हो अच्छे से वीडियो में। तो ये जो डंगरी और वो सब भी है ना, वो भी मैंने कहीं सीखा नहीं है, जस्ट एक्सप्लोर करते करते मैंने वो क्रैक किया था। होता है ना कोई चीज़ आप कर, मतलब कोई कुछ चीज़ें हैं ना जैसे आप प्लान नहीं करते वो हो जाती हैं, तो वो बन गई थी तो मैंने सेल में जस्ट एक ऑप्शन में रखा था और वो बिक भी गया। तो मे भी वो कन्वीनियंट होगा, मैंने पहना कर नहीं देखा है अभी तक, पर मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। अगर आपको लगे तो आप बनाओ, आप अपने घर में भी बना सकते हो कोई भी कलर की थ्रेड से। और अभी मुझे तो पता ही नहीं जन्माष्टमी कब है। फास्टिंग मुझे पूछना पड़ेगा, फास्टिंग कब पड़ रही है। जितना पर समझ आया मुझे, बेटे के स्कूल में आई थिंक मंडे को है फास्टिंग वाले दिन स्कूल स्टार्ट रहती है ना, और दही हांडी वाले दिन दही हांडी दिन छुट्टी रहती है, तो यहाँ पे दही हांडी ट्यूसडे पड़ रही है। अभी ना हम इसने इसमें एक भी एक्स्ट्रा वो नहीं लिया मैंने, मैं अभी इसको पूरा विदाउट एनी चेन एक्स्ट्रा चेन बना रही हूँ। अभी जब हम नेक्स्ट राउंड लेंगे ना, तब उसमें एक एक चेन भी देते जाएंगे, नहीं तो देखो ये गोल शेप में बनता जाएगा। फिर हमको गोल नहीं चाहिए, हमको आसनी चाहिए ना कृष्णा जी के लिए, उनका उनको बिठाने के लिए। मतलब आप एक तरह से समझ सकते हो कि कृष्णा जी को आप स्नान कराते हो ना, तो स्नान कराने के बाद आप इस पे उनको ड्राई करने के, ड्राई मैट जैसे रख सकते हो उनको इस पे। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। यहाँ से हम एक राउंड लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से हम फ्लावर जैसे शेप बनाएंगे। ओके, पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स लेंगे एक एक, उसमें तीन 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 लिया, एक हो गया, एक चेन मैंने एक्स्ट्रा डाला है यहाँ पे। फिर यहाँ से वापस पेटल्स लेंगे, क्योंकि अभी हम इसको ना थोड़ा फैला रहे हैं, थोड़ा बड़ा करना है ना इसको, तो थोड़ा ढील देना है, तो तीन तीन ऐसे निकालते जाएंगे। इसमें आप चाहो तो अभी कलर चेंज भी कर सकते हो, मैं सिर्फ रेड कर रही हूँ, आप यहाँ पे रेड की जगह अभी दूसरा कलर भी ले सकते हो। ठीक है, तीन निकालने के बाद यहाँ पे एक चेन एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, अभी फिर वापस से यहाँ पे पेटल्स लेंगे। तो ऐसा करती हूँ मैं, ये राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड में फिर से आपको वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज पॉज कर रही हूँ अभी मैं, मुझे एडिट नहीं करना है तो मैं वीडियो बंद नहीं कर रही, इसलिए मैं पॉज करके फिर ये करती हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। तो ये देखिए मैंने ये राउंड पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अभी मैं यहाँ से अटैच कर दूँगी इनको, ठीक है, थ्रेड को। ठीक है, ये एक सर्कल बन गया। ओके, यहाँ पे अटैच करने पे अब चाहिए तो आप जितना बड़ा इसको बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। मैं एक राउंड और लूँगी, बिकॉज मेरे कृष्णा जी के झूले के लिए एक राउंड और इनफ हो जाएगा, तो मुझे झूला ही बिठाना है इस पर। कृष्णा जी तो इस पर अटैच्ड हैं, तो मैं अलग करके नहीं बिठा सकती उनको। एक मिनट, मेरे कृष्णा जी का जो मुकुट है नीचे गिर गया था। तो ये जो है ना एक राउंड और लूँगी, तो मैं सोच रही हूँ वाइट अटैच कर लूँ मैं अभी, बिकॉज़ मुझे अभी बॉर्डर लाइन बनानी है। बॉर्डर क्रिएट करूँगी तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कभी भी धागा अटैच करना है तो ये लास्ट वाला जो है ये आप ऐसे छोड़ दो,
और यहाँ से वाइट कलर अभी अटैच करूँ, बिकॉज मुझे लगता है रेड पे वाइट कलर अच्छा दिखेगा। जो सेल आउट भी किया था मैंने वो रेड वाइट का ही बनाया था मैंने, सो कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है। वो पिंक भी बहुत सुंदर लगेगा कृष्णा जी पे, पिंक कलर के साथ भी वाइट कलर का मैं ट्राई करती हूँ एक बनाने का। ओके, पिंक वाइट भी मैंने बनाया हुआ है। इस पे आप यहाँ से क्या करो मैं बताती हूँ, ये देखो लास्ट का जो ये था ना, यहाँ से आप एक ऐसे थ्रेड खींच लो, फटाक से इसको बुन भी लो, ठीक है। और अभी ये रेड वाली जो है इसको खींच लो, हो गया कंप्लीट। अभी आप रेड को चाहिए तो कट कर लो, ठीक है, ताकि थोड़ा मेसअप ना लगे और आप सुकून से बना पाओ। और अभी ये वाइट भी कट कर ही लो, ठीक है। अभी ये मेरा बन गया है, रेड कलर का काम हो गया है, अभी मैं वाइट से क्रिएट करती हूँ। ओके, तो अभी वाइट कलर का भी मैं वैसा ही करूँगी जैसा मैंने ये थ्री किया है ना, वैसा ही। तो मैं अभी एक चैन दो चैन लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे से मैं 3 पेटल्स उठाऊँगी वाइट कलर के, होप आपको दिखाई दे रहा है, 2, 3, 3 फंदे का मैंने उठाया यहाँ पे पेटल्स के लिए। फिर मैं दूंगी एक चेन, 2 चेन, फिर यहाँ पे एक पेटल्स जहाँ पे ख़त्म होता है ना, यहाँ पे, यहाँ पर हम दूसरा पेटल्स उठाएंगे, ठीक है, एक मिनट, क्योंकि मैं पतला कुरुसी यूज़ कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है मोटे थ्रेड में, मोटा वाला कुरुसी यूज़ करना चाहिए, पर मुझे उसकी आदत थोड़ी कम है, स्पीड नहीं मिलती है मुझे, मुझे इससे ज़्यादा स्पीड मिलती है पतले वाले क्रूस से, तो इसके लिए मैं पतली वाली ज़्यादा नीडल यूज़ करती हूँ। तो ये 3 बना लिया हमने, ठीक है, ऐसे करके पूरा बुनते जाएंगे, ठीक है, 1, 2। हाँ, रिसेंटली आई रियलाइज कि मैं वीडियो में ठीक है ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट दैट टाइम माइंड कॉन्शियस होता है, बिकॉज तो ध्यान तो इसकी तरफ है, तो हम क्या बोल रहे हैं समटाइम रिपीटिव वर्ड यूज़ कर लेते हैं, सो वही हो रहा है मेरे साथ, प्लीज़ इग्नोर इट। 2 हो गया एंड 3 हो गया, डन। देखिए ये ऐसा लुक बनते जाएगा। अभी इस राउंड को आप जितनी बार भी लेना चाहो ना आप ले सकते हो, बट मैंने जैसा कि कहा मेरे कान्हा जी, आई थिंक 1 या 2 राउंड में इनफ उनका झूला बैठ जाएगा, उनके झूले के साथ ही वो स्थापित हो जाएंगे इस पे, तो मैं उनको 1 ही राउंड देखती हूँ, पहले मैं 1 राउंड करके फिर उनको विराजमान करके देखूँगी, होते हैं झूला इस पे एडजस्ट हो जाते हैं या फिर मुझे एक और राउंड लेना पड़ेगा, लेट्स सी, ठीक है। होप आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसीलिए आज मैं बैठकर नहीं बना रही वीडियो, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में बनाती हूँ ना, तो मुझे दिखाई नहीं देता कि वीडियो में फ्रेम आउट हो रहा है कि नहीं, इसीलिए मैं आज खड़े होकर ही वीडियो बना रही हूँ, ताकि मुझे कैमरा से दिखाई भी दे रहा है कि मैं क्रोचेट जो है उसमें दिख भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बुनते वक्त कभी कभी फ्रेम आउट हो जाता है, आपको आदत नहीं होती है ना कैमरा के साथ क्रोचेट करने की, इसके लिए। और ये कोई क्रोचेट का चैनल नहीं है, अगर आप नए हो तो मैं बता दूँ, ये चैनल मिक्स कंटेंट आते हैं, लाइक ब्लॉगिंग, माई मेरे लाइफ में जो भी स्पेशल मोमेंट और स्पेशल चीज़ें मैं करती हूँ, ब्लॉगिंग भी नहीं कह सकते, ब्लॉगिंग इज़ अबाउट एवरी डे थिंग, तो ऐसा नहीं मैं एवरी डे पोस्ट नहीं करती, जो भी मेरी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स हैं मैं शेयर करती हूँ यहाँ पर, तो ये जन्माष्टमी का भी मोमेंट उसमें से एक है, हर साल जन्माष्टमी आती है, स्पेशली होती है हमारे लाइफ के लिए, लाइफ भर की मेमोरी क्रिएट करते हैं हम इसमें, तो उन्हीं मेमोरी में से ये एक मेमोरी है जो मैं क्रोचेट कर रही हूँ कृष्णा जी के लिए क्लोथ्स। मैंने लास्ट ईयर जो की थी ना, वो मैंने क्रोचेट की शायद छोटी सी क्लिप ली होगी, ज़्यादा वीडियो नहीं ली होगी, क्योंकि वो रातों रात बनाया था, मुझे पता नहीं था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, स्टॉल लगाने वाली हूँ, तो मैंने रातों रात ही स्टॉल लगाने का डिसाइड किया था। और मैं गांव से आई थी भाई की शादी के टाइम पे, आई रिमेम्बर, बहुत टायर्ड ही थी मैं, तो मेरा मन किया, बहुत सारे फ्रेंड्स उन लोगों ने भी कहा मुझे कि करो 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 ना आप ट्राई करो, तो
तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं इस बार। मैंने रातों रात मुझे जो भी आता था वो सभी वैरायटीज़ मैंने बनाए और वो सारे सेल आउट हो गए। तो मैंने कहा कि चलो जब भी मुझे ये कुछ चीज़ें मुझे आती है तो मैं इसको भी चैनल पे शेयर करती हूँ। अगर मैं अपनी स्पेशल चीज़ें स्पेशल एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये भी वाई नॉट। अभी मेरा न्यू वीडियो जो आएगा क्रोचेट का नेक्स्ट वो रहेगा 3rd सितंबर को रहेगा। बीच में मैं क्रोचेट का भी क्या ही डालूँगी, मैं बीच में ब्लॉग्स रहेंगे थोड़े बहुत जन्माष्टमी के। और प्लीज़ शो सम लव, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक करके जाओ ताकि वीडियो को थोड़ी रीच मिल पाए, वीडियो जितना डिज़र्व करता है उतनी रीच मिले। और इस लॉन्ग वीडियोस में ऐसा नहीं कि आप पूरा देखोगे तो मुझे से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा कि कहा है मेरे शॉर्ट्स का ही मेन चैनल है ये, तो मेरे रेवेन्यू मोस्टली शॉर्ट्स से ही आते हैं। लॉन्ग वीडियोस में जो भी मैं ये बनाती हूँ वो आप अगर आपको पसंद आ रहे हैं या मैं पसंद आ रहे मुझे समझ नहीं आता बिकॉज कमेंट नहीं आते। लास्ट वीडियो में आए थे कमेंट एक, पर मोस्टली कमेंट आते नहीं हैं। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ गाइड मी कि मैं ऐसे कंटेंट और डालूं या नहीं डालूं। तो यहाँ से हम दो चेन लेके वापस से, और मेरा बेटा उठ चुका है, गुड मॉर्निंग हो गई। एक्चुअली ये सुबह सुबह की वीडियो है, वो सो रहा था इसीलिए ही मैंने बोला चलो सुबह सुबह बना लेती हूँ। मैं मेरे काम भी हो गए थे मॉर्निंग के सारे, क्योंकि वो उठ जाएगा तो फिर बीच में जैसा कि लास्ट रक्षाबंधन वाले वीडियोस में उसने मेरे को परेशान किया था वैसे ही वो परेशान करेगा बीच बीच में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, वीडियो पॉज कर करके फिर मुझे करना पड़ता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में सोचा कि चलो सो रहे दोनों बच्चे तो मैं सुबह सुबह ही वीडियो बना लेती हूँ। और अगर आपको पता नहीं तो मेरे दो बच्चे हैं, तो ये देखिए ये हुए ना, तो इसमें हम कृष्णा जी को ऐसे रख सकते हैं झूले को, है ना, अब देख पा रहे हैं। मैं चाहूँ तो एक राउंड और भी बना सकती हूँ, ठीक है, इसको एक राउंड और कंटिन्यू कर सकती हूँ, और आप इस पर 3 राउंड कंटिन्यू कर सकते हो तो। लेकिन मैं अभी इसको इतना ही रखती हूँ, ठीक है, मेरे मंदिर में रखने के लिए परफेक्ट है। मेरे मंदिर में मैं इसको नीचे रख के उनके ऊपर झूला रख सकती हूँ, तो इतना इनफ है मेरे लिए, ओके। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप जस्ट इस थ्रेड को कंटिन्यू करते जाओ, और नहीं तो अगर आपके कृष्णा जी छोटे हैं तो इतना इनफ है कृष्णा जी को यहाँ पे रखने के लिए, आप उनको स्नान करा के इस पे रख सकते हो, ठीक है। ये देखिए लग रहा है ना सुंदर, अब देख रहे हो ये ना छोटे से स्टैंड हैं, स्टैंड के झूले में है कृष्णा जी, तो आप देख पा रहे होगे ये इसमें प्रॉपर आ जाते हैं, ठीक है। और आज हम कृष्णा जी की कैप बनाएंगे और आई ट्राई कि वो कैप मेरे कृष्णा जी को आ जाए, है ना, कैप तो आ ही सकती है बट बहुत छोटी सी बनानी पड़ी, बहुत ही छोटी सी, ठीक है। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे कृष्णा जी विराजमान हो गए हैं उस पर, अभी हम उनकी कैप बना लेते हैं। चलिए पहले तो कैप ही बना लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ रेड वाइट कलर, या तो मैं रेड वाइट थीम के साथ जा सकती हूँ पूरा रेड वाइट, या तो मैं पिंक कलर की कैप बना सकती हूँ बिकॉज मेरे पास थोड़ी थ्रेड है और कैप के लिए ज़्यादा थ्रेड नहीं चाहिए। तो चलिए कैप भी बना लेते हैं, और मेरे पास आज वीडियो के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बना सकती। ये देखिए ये मैंने बनाया, एक चेन लिया। हाँ बाबू एक सेकेंड, सॉरी जैसा कि मेरा बेटा उठ गया है तो अभी मुझे उसके भी डेली रूटीन का कुछ कर देखना पड़ेगा।
तो मैं उसके लिए गई थी। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे ना कैप का। पहले हम नीचे जो हेड का अराउंड है ना वो शेप पहले बनाएंगे। वैसे तो ऊपर से स्टार्ट करते बट मुझे बहुत छोटी कैप बनानी है, इसके लिए मैं नीचे का सिरा पहले बनाऊंगी। तो पहले बैंड बना लूँगी जितना कृष्णा जी का हेड का शेप है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं पहले एक राउंड तैयार करूँगी, इतना मोर देन इनफ होगा, ठीक है। अभी इसको मैं सर्कल कर रही हूँ, पहले सर्कल बना ले रही हूँ। ठीक है, ये सर्कल बना लिया हमने। ये थ्रेड कट कर देंगे बिकॉज ये अच्छा नहीं दिख रहा है। और अभी यहाँ से हमें ना राउंड राउंड खींच के कटोरी के शेप होती है ना, सर्कल शेप, कटोरी बोल समझ सकते हो, बोल के शेप की बनाते जाएंगे, ऐसे उठाते जाएंगे। यहाँ से एक उठाया अभी मैंने, आपकी कृष्णा जी की जो हेड की जितनी बड़ी शेप होगी ना आप उतनी बड़ी ये सर्कल बनाना। मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे कृष्णा जी के लिए इनफ है ये शेप। वो मैं अभी देखती हूँ, पहना के भी देख लेती हूँ, कुछ नहीं है, दो मिनट का ही काम है। यहाँ से मैं सर्कल उठाई, आई एम होपिंग कि ये 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी ना हो वीडियो। या फिर आप ये सर्कल बना लो, वहाँ से ऐसे खींच खींच के ये कर लो, ठीक है। और लास्ट में आप उसको हेड के जो शेप होंगे उनकी, जितनी बड़ी हेड की शेप होगी कृष्णा जी की, कान्हा की जितनी बड़ी हेड होगी उतनी ही बड़ी आप सर्कल में इसको टाई कर देना। एक मिनट, मेरा यहाँ पे एक धागा छूट गया लगता है, हाँ मुझे एक बार और करना पड़ेगा वापस से। ये देखिए यहाँ पे मेरी धागे छूट गए थे, हाँ। तो ये आपको फटाफट से यहाँ से निकाल लेना है क्योंकि बहुत छोटी है ना, छोटी चीज़ बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, या तो बहुत बड़ी चीज़ या तो बहुत छोटी चीज़ में मेहनत लगती है। मीडियम साइज़ वाली चीज़ों में उतना दिक्कत नहीं होता क्योंकि इसको पकड़ने के लिए आपको उंगली में जगह भी तो चाहिए और उतनी स्पेस है नहीं क्योंकि हम बहुत ही छोटी सी कैप बना रहे हैं। यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके ऐसे करके निकालेंगे। आई थिंक इतनी शेप बस हो जाएगी मेरे कृष्णा जी के लिए, ठीक है। तो मैं तो इसको यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, आप चाहिए तो और क्लोज कर सकते हो, लेकिन लेट्स सी। मेरे को लगता है मेरे कृष्णा जी की जो मूर्ति है उनके हिसाब से ये कैप मोर देन इनफ है, ठीक है। तो मैं यहीं पे वाइंड करूँगी और मैं एक राउंड और लूँगी थोड़ा सा इसको ये करने के लिए, टाइट करने के लिए। इसमें मैं, आप जैसे देख रहे हो, मैं कोई चेन नहीं ले रही हूँ। जैसे बॉर्डर बनाते हैं ना, बॉर्डर विदाउट फंदे के जब हम क्लोज़र दे रहे होते हैं, तो सिर्फ मैं एक एक थ्रेड ही खींच रही हूँ, मैं कोई फंदा नहीं खींच रही हूँ वहाँ पे। फॉर 24 मिनट्स का तो हो गया है, मुझे लगता है ये वीडियो मुझे ऐसे रॉ ही पोस्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ मेरा 30 मिनट का ही लिमिट है। अगर ड्रेस इस वीडियो में नहीं हो पाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रेस पोस्ट करूँगी, डू नॉट वरी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हमने ये कर लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कृष्णा जी को मुझे इसको कैप कैसे पहनाएंगे, ओके।
ये देखिए ये जो बना है ना सर्कल, ठीक है, ये सर्कल में इनका हेड आ जाएगा। बिकॉज बहुत छोटी सी मेरी मूर्ति है, मैं आपको बता भी नहीं सकती कैसे मेजरमेंट बताऊं। सो ये इसमें है ना कृष्णा जी का कैप आराम से आ जाएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ है ना यहाँ पे वो जो हेड के ऊपर वो बनते हैं ना वाइट कलर का, वो मुझे बनाना है। मैं आपको वो भी बना के दिखाती हूँ कि आप वो कैसे अटैच करोगे ऊपर, वो और लुक को इन्हांस कर देगा। चलिए वो भी बनाते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे छोटी सी वाइट थ्रेड, ऐसे 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 करके रोल कर लेना है, ठीक है। रोल करके बस एस बनाया और यहाँ पे बस टाई कर देना है आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं है। टाई करके कट किया थ्रेड को और यहाँ पे ऐसे बांध देंगे, ठीक है। फिर से मैंने ठीक है चालू कर दिया है, जस्ट इग्नोर इट। एंड यहाँ पे इनको टाई करके देन इसको कट कर देंगे। सेम लेंथ में के ऐसे बन गया। अभी भी आप इसको है ना कट कर सकते हो, ओके। अभी इसमें ना ये करेंगे, सुई डालेंगे और उसमें अटैच करेंगे। एक मिनट, तो ये देखिए मैंने सुई लगा लिया ऑलरेडी, बिकॉज टाइम ज़्यादा है नहीं, एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे जाके इसको अटैच कर लेंगे, ओके। और यहाँ ऊपर खींच लेंगे एक बार वापस से थ्रेड को, ओके। एंड वापस से अंदर की तरफ खींच देंगे इसको। हो गया हमारा ये जो लटकन होता है ना, बिकॉज बहुत छोटा है तो थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा आपको इसको बनाने में, बट बन जाएगा। क्योंकि मन में श्रद्धा रखोगे ना तो ये सब चीज़ें श्रद्धा रखनी होती है, अपने आप तैयार हो जाती है। यहाँ से मैंने कट कर दिया। अभी देखिए ये जो है ना हमारा हेड के लिए ये वाला प्लेस था, तो अभी हम कृष्णा जी को पहना के देख लेते हैं इस कैप को। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं थोड़ा पॉज कर करके बना रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे करके कृष्णा को पहना देना है कैप, ठीक है। जैसे बच्चों की टोपियाँ होती है ना वैसी टोपी बन जाएगी। ये थोड़ा घना भी हो गया है, इसको आप चाहें तो कम घना भी रख सकते हैं। मैं आपको सामने से इसका फ्रंट लुक दिखाती हूँ। एक मिनट, पहनने के बाद ये कैसा दिख रहा है कान्हा जी पे, ठीक है, रुकिए। ये देखिए हमारे कान्हा जी का कैप रेडी हो गया है, ठीक है। बिलीव मी, अगर आपके पास वो थोड़े से बड़े साइज़ के कान्हा जी है ना तो उनको पहनाएंगे तो वो और ज़्यादा लुक दिखेगा। बिकॉज ये बहुत छोटे हैं ना, मैं इनको कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूँ। सो ये देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। और हमने अभी इसमें बनाया था ये वाला और ये वाला। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं अगली वीडियो ड्रेस की, इनकी जो बनाऊंगी मैं ड्रेस की वीडियो भी पोस्ट करूंगी। होप आपको वो भी पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल होगा।